बड़ा ज़रूरी और अहम मसला, क्या वाशिंग मशीन दे अंदर कपड़े धोण दे नाल इहदे विच दो तीन एहतियातां ने, वह जरा औरतों वास्ते मसला है, क्योंकि पूरी दुनिया सुनती है, औरतां भी सुनदियां ने, मर्द भी सुनदे ने, सलाह हो जाए, इस्लाम का पैगाम जाना चाहिए। कई बार जो औरतां वाशिंग मशीन विच कपड़े पांदियां ना तो वह पाक ते नापाक कपड़े मिक्स ही पा छड़दियां ने, एक होंगे ने पाक समझते पे हो ना, एक पाक कपड़े होंगे ने एक नापाक कपड़े होंगे ने, वह पाक ते नापाक मिक्स ही मशीन विच पा छड़दियां ने। इहदे तो इस्लाम ने मना किया है कि पाक कपड़े नूं जान बुझ के नापाक करना यह गुनाह है। फिर सुन लो, पाक कपड़े नूं जान बुझ के नापाक करना, पता भी है बीबी नूं औरत नूं कि यह कपड़ा नापाक है, यह पाक है, उन्होंने कट्ठियां नहीं धोना, एहतियात करनी है कि या पहला नापाक कपड़े धो लेते जान, नापाक कपड़िया धो के पानी जड़ा उहदे विच फिर पाक कपड़े नहीं पाने, पानी लहदा लैके फिर वह पाक कपड़े जड़े ने लहदा देने ने, नापाक ते पाक कपड़े कट्ठे भी बुढ़िया जड़े ना इंज जल्दी जल्दी काम हो जाए, वह जल्दी ना धो छड़दियां ने, तो वह गुनाह का काम है। घर भी मसला दसो, मेरे वास्ते भी तुहाडे वास्ते भी पूरी दुनिया वास्ते सलाई मसला है कि कट्ठे कपड़े नहीं धोने, लहदा लहदा पहला पाक धो लो या पहले नापाक धो लो, लहदा लहदा धोवो, नापाक जेडे पाक ने उन्हें भी नापाक नहीं करना। और दूसरे नंबर दे अजकल आटो मशीन ने, आटो तो आटो मशीन के अंदर भी मसला समाध फरमा लो। कई बार इंज होंद कि जिहड़ी असी आटो मशीन वेखी है, सानू दूसरियां दा पता हो सकता दूसरियां दा निज़ाम इस तरह होवे या किसी होर तरह होवे, हर मशीन दा लहदा लहदा सिस्टम होंदा। कई आटो मशीन ऐसियां ने कि जिहड़ियां एक वारी पानी लै के वह कपड़िया धोंदियां ने, नचोड़दियां ने, फिर अगों नवा पानी लैंदियां, तीन वारी वह पानी आटो मशीन लै के तो फिर कपड़े नूं धोंदी। अगर कोई आटो मशीन ऐसी है कि जिहड़ी तीन वारी पानी बदलदी है तो तीन वारी कपड़े नूं नचोड़दी है, वह कपड़ा पाक होवेगा। अगर कोई मशीन ऐसी नहीं, मसलन एक बारी पानी लैंदी है उहदे नाल ही उह धो धू के नचोड़ छड़दी है तो वह आंदी बस ठीक है, उहदे नाल कपड़ा पाक नहीं होवेगा। कपड़ा पाक करन दा तरीका इस्लाम ने दस्या, कपड़ा तां पाक होना है अगर किसी कपड़ा नापाक हो गया, नजासत लग गई है, गंदगी लग गई है, उहनूं पानी लै के उहनूं एक बारी नचोड़ना, चंगी तरह नचोड़ के फिर दूसरी वारी पानी नाल धो के फिर नचोड़ना। तीन वारी पलीत कपड़ा तुसी धो के नवे पानी दे नाल, उसे पानी दे नाल नहीं, नवे पानी दे नाल तीन वारी कपड़े नूं पहला धोना है अच्छे तरीके नाल, पानी नाल धो के फिर उन्हें नचोड़ना चंगी तरह, नचोड़ोगे तो फिर वह कपड़ा पाक होवेगा। अगर कई बुढ़िया ऐसा औरतां होंदियां एको वारी धो के कपड़े पर सुट छड़दियां बस जी पाक हो गया, पाक नहीं होंदा। इस तरह इस्लाम शरीयत कहती कपड़ा पाक नहीं होएगा, नजासत वाला कपड़ा नपाकी वाला कपड़ा पाक उदों होवेगा जदों तीन वारी धुचिया जाए तो तीन वारी धो के उन्हें तीन वारी नचोड़िया जाए, फिर वह कपड़ा पाक होवेगा। ये छोटे छोटे मसले ने, छोटी छोटी बातें ने, औरतें एहतियात नहीं करती, वो कट्ठे ही कपड़े वे सुट छड़िया जल्दी काम मुक जाए, पाक भी मिक्स ते नापाक भी मिक्स, तो फिर नचोड़ना भी कोई ना, हो सकता गंदगी गिलाजत उंजी लगी रहे, इंज पाक नहीं होंदा। तो आटो मशीन का भी तुहानू हुण, क्योंकि अगों आटो चलनियां ने मशीन, अगला दौर जिहड़ा जदीद दौर है, और पहला मावां होंदियां सन हत्थां नाल कपड़े धोंदियां सन, फिर मशीन आ गईयां, हत्थां वाला भी निज़ाम तुर गया, हुण वह मशीन गईयां तों अगों आटो आ गई है, वी तुहानू नचोड़न दी भी लोड़ नहीं, हुण वह मशीन ही नचोड़ के तुहानू देवेगी, क्योंकि हुण औरतां भी सोहल हो गई ना, औरतां कोल भी इन्ना काम नहीं हुंदा, वह कहिंदियां साडे कोल नहीं कपड़े धोचदे, चलो आटो ही ले लो। तो इस वास्ते मर्द का कपड़ा जिहड़ा है वह औरत लाजम है कि पाक करे अच्छे तरीके, बच्चों के कपड़े पाक करे अच्छे तरीके, एवं मगरू ना लाए, काली काली धो छड़े तो मगरू ला छड़े, ये औरत का हक बनता है। यह मसला सी कि कपड़े पाक किवें होंदे ने, ते नापाक ते पाक कपड़े नूं कट्ठियां नहीं धोना मशीन विच, कट्ठियां नहीं सुटना, ये जायज़ नहीं, ये गुनाह का काम है, नबी पाक ने मना फरमाया।